स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम शेली, योर मैथ्स टीचर. एंड स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ. अब स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ओके. सो आपने अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन करनी है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी. ये वाले जो एग्जाम है, इनके मार्क्स आपके फाइनल में एड होंगे, ओके. सो इसलिए अच्छे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, हर एक सम की अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना. आपके पास अभी डेज है, राइट. तो अच्छे से आप वर्क कर सकते हो. बस मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए आपसे, क्योंकि बहुत मेहनत लगी हुई है. आपने भी अपनी नोटबुक कंप्लीट की थी, अच्छे अच्छे नोटबुक बना के भेजी थी, राइट. सो उससे आपकी सारी एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं. तो उन एफर्ट्स को बस अब आपने बच्चों किस में डालना है, अपने एग्जाम्स में, ओके. और देखना कितना ब्यूटीफुल आपका एग्जाम होगा, आप अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. सो नाउ आवर टुडेज़ टॉपिक इज डिविजिबिलिटी. सो स्टूडेंट, आज हमने करना है कि हम चेक कैसे करेंगे डिविजिबिलिटी को, कि यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है हमारा टॉपिक आज का, कि किस तरीके से चेक करेंगे कि एक नंबर को हम, मान लो एक नंबर है, उसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 से 5 से 10 से, इस टाइप का. तो फर्स्टली मैं आपको आज करवा रही हूँ डिविजिबल बाय 10. तो बच्चे, डिविजिबल बाय 10 का मीनिंग ये हो गया कि नंबर कैसे पता चलेगा 10 से डिवाइड होता है. यानी अगर आपके वंस प्लेस पे क्या मिल जाए, 0, एंड वंस प्लेस क्या मिल जाए हमें, 0, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से, लाइक राइट. अब ये नंबर है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, यस, ये 10 से डिवाइड होगा, करके देख लीजिए. 4, 5, 2, 0, यस. 10 4 जा 40, माइनस करोगे 5, 2 नीचे ले आओ, 10 5 जा 50, 2 0 नीचे, और 10 2 जा 20. दिस इज योर आंसर, हो गया ना डिवाइड. तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड. जस्ट वंस प्लेस पे देखो क्या लगा हुआ है, 0. तो आप क्या कह सकते हो कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 10 से, ओके. यस, चेक करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, ये यूनिवर्सल आपके पास ये टर्म्स बनी हुई है, ओके. नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 5. यस, डिविजिबल बाय 5. जरा आप सोचिए क्या आएगा, 5 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम. यस, चेक आउट. तो क्या सोच सकते हैं आप, यस, 5 से डिवाइड करना. तो देखो बच्चों, जब हमें वंस एट वंस प्लेस पे क्या मिल जाए, 0 और 5, या तो 0 मिल जाए या फिर 5, तब हम क्या कहेंगे डायरेक्ट कि वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से. अब देखो, 5 7 2 और एक है. अब देखो, डिवाइड होगा ये नंबर, नो. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस देखना है बच्चों, ये प्लेस नहीं देखना. क्या देखना है, वंस प्लेस. वंस पे क्या है, 2, बट उन्होंने क्या बोला, 0 या फिर 5. क्या 0 है, नहीं. क्या 5 है, नहीं. तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट, वंस प्लेस, दिस इज योर वंस. वंस पे 0 है, यस, 5 से डिवाइड होगा. दिस इज योर वंस, वंस पर 0 है, नो, बट क्या है, 5, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से. यस, आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है कि यस, इट इज डिविजिबल बाय 5. ओके बच्चों, तो फर्स्टली हमने किसके बारे में डिस्कस किया, 10 के बारे में. अब किसके बारे में डिस्कस किया, 5 के बारे में. 10 में लास्ट में 0 होनी चाहिए, और 5 में क्या है हमारे पास, वंस प्लेस पे क्या होनी चाहिए, 0 एंड 5. 0 और 5, 0 और 5 में से कुछ भी हो जाए, आप उसको चेकआउट कर सकते हो. यस, और अब 10 का मैं आपसे पूछूं, 10 वाले टेबल में क्या होना चाहिए, यस, वंस प्लेस पे क्या होनी चाहिए, 0. वेरी गुड. नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 2. कैसे पता चलेगा कोई नंबर डिविजिबल है 2 से, तो चेक आउट करो बच्चों. अगर हमारे पास एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे क्या हो, 0 और एनी इवन नंबर. अच्छा, ये मैंने लाइन तो लिख दी, इवन नंबर बताओ बच्चों क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14, राइट. ये क्या नंबर होते हैं, इवन. यस, मैंने आपको करवाया भी था ऑड इवन वाला केस. ये नंबर्स क्या है, इवन. और ये अब मान लो
इवन नंबर है एंड सो ऑन, आगे आप 16, 18 इस टाइप के नंबर लिख सकते हो. तो ये इवन नंबर्स है. इवन नंबर आपके कहाँ आने चाहिए? वंस प्लेस पे, या फिर क्या आ जाना चाहिए? जीरो. ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ, यस, ये नंबर्स आपके पास, आपने टिक करना है जो टू से डिवाइड हो जाएंगे. तो फर्स्टली क्या चेक करना है हमें? वंस प्लेस पे क्या जीरो है? नो. क्या इवन नंबर है? नो, बिकॉज थ्री इज अ ऑड नंबर, तो ये टू से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट, वंस प्लेस देखना है बच्चों, लास्ट ये मत देख लेना. क्या देखना है? वंस प्लेस, यस. वंस पे क्या है? जीरो है. नो. इवन नंबर है? नो. क्यों? क्योंकि थ्री क्या है मेरे पास? ऑड, यस. तो ये भी डिवाइड नहीं होगा. वंस प्लेस क्या चेक करना है? वंस. जीरो है, यस, yes. तो टू से डिवाइड हो गया. क्या जीरो है? नो. क्या इवन नंबर है? यहां पर देखिए, इवन, यस, एट इज अ इवन नंबर. क्या है एट? इवन नंबर. तो ये क्या होगा? टू से डिवाइड हो जाएगा. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया. क्या चीज किया इसमें हमने? यस, नंबर्स चेक आउट कर रहे हैं, कौन डिवाइड होता है कौन नहीं. 10 का कर लिया, 5 का कर लिया और 2 का कर लिया. ये आपके क्या है? रूल्स हैं. किसके अंदर? यस, डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर. ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन देती हूँ, आप मेरे को करके दिखाना. यस, ओपन योर मैथ्स बुक. यस बच्चे, ओपन करें चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 77. यस, फर्स्टली आपका सम है बाय 10. कैसे चेक करना है? 10 से. तो फर्स्ट है 95, फिर मैं रैंडमली लिख रही हूँ बच्चों कुछ नंबर्स, 180, 200, 1826. यस, इस नंबर से जल्दी से बता दो कौन कौन से डिविजिबल होते हैं, कौन कौन से नहीं. 10 की कंडीशन क्या थी? वंस पे क्या होना चाहिए? जीरो. क्या जीरो है? नो, तो ये डिवाइड नहीं होगा. क्या जीरो है? यस, तो ये डिवाइड होगा. क्या जीरो है वंस प्लेस पे? यस. अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 6, बट जीरो नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा. सिंपल है ना. अब सिमिलरली अगर इसी के लिए आपने 5 के लिए चेक करना है तो कैसे करोगे? बाय 5 लिख दिया. 5 की कंडीशन क्या है? या तो 5 हो वंस प्लेस पे या फिर 0. अब देखो, क्या 5 है वंस प्लेस पे? यस, तो ये 5 से डिवाइड होगा. क्या 0 है वंस प्लेस पे? यस, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा. यहाँ पे भी क्या है वंस प्लेस पे? 0, तो यस, ये डिवाइड होगा. बट यहाँ क्या है? 6. अब 6 है तो ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर बच्चों? तो ये आपका बच्चों आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया. किसका? 10 का, 5 का और 2 का. ये आज 3 टेबल्स कर लिया हमने. कल नेक्स्ट हम फिर करेंगे, 3 और 9 का भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था. अब एग्जाम्स हैं तो ये आज का होमवर्क आपके लिए बहुत कम है. ओके, तो अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करना, मिस्टेक मत करना. मैथ्स का हाथ से आपने लिख कर करना है, ऐसे ओवरव्यू नहीं लेना. ओके, सॉल्व करने है सम, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके सम अच्छे से नहीं हो पाएंगे. क्लियर स्टूडेंट? सो अच्छे से प्रैक्टिस करना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.